हेलो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम लोग बिलाउर यहाँ कोचिंग में। आपको दिखाएंगे कैसा कोचिंग है, क्या है। अभी आपको फ्रंट कैमरा से मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दूर सफ़र था, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी कंप्लीट करके आए हैं हम लोग बहुत दूर से। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ के बच्चों से हम लोग को। और काफ़ी मुला सर है हमारे साथ, तो दोनों परिश्रम करके यहाँ पहुँचे हम लोग। चलिए आगे का कहानी फिर हम आपको और बताएंगे। तब तक थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू आपको दिखाते हैं कैसा है, क्या है। क्या करें यार, ज़िंदगी में कुछ स्टार्ट करना तो पड़ेगा ना। छोटा सा ही कोई भी आदमी जीरो से हीरो बनता है, डायरेक्ट तो हीरो नहीं बनता। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग भी एक स्टार्टअप कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं छोटा सा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए बने रहिए वीडियो में, एंजॉय करते रहिए। आँख दर्द करने लगा। कोचिंग है, देखिए यहाँ बोर्ड है, यहीं पे हम लोग पढ़ाने का विचार चल रहा है। देखिए अब यहाँ के बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है। आए हैं आज मीट करने के लिए, सबसे मीटिंग करेंगे। उसके बाद क्या फटा पता नहीं, लगता है बॉम्ब फूटा होगा। भगवान जाने। चलिए अपना इंट्रोडक्शन भी दे ही दीजिए, बताइए कुछ कुछ। हम नकबार यहाँ पर ISC क्लास का भी वैसे साथ में नंबर हुआ है। देखते हैं बच्चा लोग कोई लग ना सकते हैं और आगे की बात करें। चलिए तो ये हमारे मुन्ना सर थे जो काफ़ी बहुत ज़िंदगी में परिश्रम किए हैं और कर भी रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका भी एक चैनल है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग भी उनका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत परिश्रम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों भाई को सपोर्ट करें, आप लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। चलिए मैं थोड़ा आप लोग को आगे पीछे दिखा देता हूँ। देखिए शुरुआत में तो सबको ही गरीबी होता है यार, लेकिन धीरे धीरे ही भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से ही कुछ लायक इंसान बनता है। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, अगर आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलेगा तो कोई अच्छा सा भी हम लोग को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यही है, और बाद में मैं आउटर लुक भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये रहा बिल्डिंग का अंदर के सिनेरियो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बने रहिएगा वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। अभी आगे बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूँ मैं और बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बने रहेंगे। बच्चे नहीं थे उतना खास, बच्चे लोग आज आ नहीं पाए हैं, तो सिर्फ एक ही बच्चा आया हुआ था, तो उसी को पढ़ाया जा रहा है। और यही है अपना कोचिंग। इस कोचिंग का नाम है ग्लोबल क्लासेस, लाहौर में है। और जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कहाँ पर है ये कोचिंग लाहौर में। और काफ़ी मेहनत करके बच्चे भी आ रहे हैं दूर दूर से पढ़ने के लिए यहाँ पे, और हम लोग भी जा रहे हैं बहुत दूर से पढ़ाने के लिए उद्देश्य से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। थैंक यू। यही कोचिंग है, देख सकते हैं ग्लोबल क्लासेस। चलो एक विद्यार्थी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं यशिश कुमार, पहले दिन से कर रहा हूँ। आई एम कम फ्रॉम स्टडी ग्लोबल क्लासेस। चलिए वेरी गुड, मिलते हैं कल, ठीक ना। चलिए ओके, ठीक है। तो अब हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से, क्लासेस कंप्लीट हो चुका है लगभग। काफ़ी दूर का सफर दोस्तों, नहर वाला रोड पकड़ के आ रहे हैं। देखिए हम लोग टेंशन नहीं था। अरवल रहता
बंदा तो पहुंच जाते हैं अभी तक लग रहा है। हाँ वो देखिए खाना दिखाई देने लगा, लग रहा है ताजमहल है, ताजमहल की तरह लगता है। घरवा जो बनाया है बाप, बहुत विशाल घर है। कोई आगे वाला अच्छा मुड़े पड़ेगा आगे से ना। अच्छा चलिए ओके। अरे रे रे तो चार अच्छे पा जाता है ऐसे ही यार। एक बार जा रहे आ रहे थे तो रोड पे चलते चलते सांप दिख गया रोड में, और ये चढ़े चढ़े में तली मनी में रोक दिए, बच गया। नहीं तो चढ़ जाता तो बेचारा का मौत ही हो जाता। जहाँ तक हो सके जीव जंतु को बचा लेना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ये भी बोल रहा है कि आगे जाइए सीधा। वो पुलिया आ गया, वो पुलिया से चढ़ेगा ऊपर, देख रहे हैं पुल। पुल से ऊपर चढ़ जाएंगे तो ऊपर चढ़ेगा है कि ना, हटेगा ये शायद अगे यहाँ जोड़ता होगा। ये निकालते मंदिर वाला, हाँ लग रहा है सही। हम चलिए ये लेके चल जाएगा सीधा आ गया हूँ मेन। ज़्यादा दूर ना होती वाला, ज़्यादा दूर ना होगा, मेन रोड यहीं पर। लाइकन पढ़े वाला रहे तब पढ़ाने में मजा आता है पूरा। इंटरेस्ट दोनों साइड, दोनों साइड से होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों में, बच्चे और टीचर में, सब में। तब पढ़ाने में सिर्फ टीचर इंटरेस्ट नहीं पढ़ा रहा है लेकिन बच्चा इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, तो फिर ये भी दिक्कत है। सबको देखते हुए बढ़िया से करना पड़ता है। चलिए अज्ञाओं आ गए दोस्तों, अज्ञाओं, ये अज्ञाओं का मंदिर। देख सकते हैं अज्ञाओं का मंदिर है। ये रहा मंदिर, सुंदर सा देख सकते हैं, ये अज्ञाओं का मंदिर है, बहुत खूबसूरत सा। आगे से फ्रंट से बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये तीन मुहान है। चलिए अब एक बार दिखा देते हैं मंदिर, ये मंदिर है। निकल गए आगे कीजिएगा, बहुत बड़ा घाट घटना हो जाएगा। बाप रे भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। थोड़ा से के लिए बच गया, देखिए ये ऐसा दुर्घटना वीडियो हम बनाए हुए हैं, पता है थोड़ा सा होता अगर रगड़ा जाएगा तो चक्का में घुस जाएगा, बहुत डेंजर। इसलिए जितना हो सके धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आ गए आप जानते हैं, कुछ बनाइए मत बनाइए, लेकिन आप ये ज़रूर बनाइएगा, क्या नाम है, हॉर्न जरूर, हॉर्न बहुत ज़रूरी है। हॉर्न के बिना दिक्कत हो जाएगा, कभी अचानक से कोई आ गया। हम बहुत डरते रहे भाई, इतना ना गिरे हैं हम आपको क्या बताएं, इसलिए गाड़ी घोड़ा से बहुत सावधानी होके चलना पड़ता है। चलिए देखिए भाइयों, ये है सहार पुल। ये सहार पुल है जो नशे में गाड़ी नहीं चला,
पूरा वीडियो का फूल आपको दिखाऊंगा मैं। ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आज शाम को अपलोड कर देंगे। पूरा बनाए पड़ता है, सब जोड़े पड़ता है, बहुत कुछ। रहे बाल काफी दूर से चलते आ रहे हैं यार, थक गए हमें, बिना संगीत थक गए, चलाते चलाते शाम हो गए। नहीं रुक रुक, हबड़ा के मत निकलिएगा, आराम से स्लिप कर जाएगा यही सब में। गाड़ी को रोक रख लिया आप, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, हम आ रहे हैं आजकल बहुत, क्या बात है, गाड़ी को रोक रख ले है। बाइक को रोक ले था। अच्छा चलिए, पुल पार हो गए, अब आ गए आगे हम लोग, इस तरह से पहुंच गए, पहुंच जाएंगे घर। हाय फ्रेंड्स, घर पहुंच चुका हूँ, काफी दूर से आना पड़ा, 30 किलोमीटर जाना पड़ा, 30 किलोमीटर से आना पड़ा, काफ़ी परेशानी हुई यार दोस्तों, कसम से हेडेक हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ज़िंदगी संघर्ष का ही नाम है और संघर्ष करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो आपने वीडियो अगर पूरा देखा होगा तो आपको देखे होंगे कितना मुश्किल से हम लोग आए हैं, दो जगह तो एक्सीडेंट होने से बचा हूँ मैं, क्या बताऊँ दोस्तों, इतना दूर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और दो जगह एक्सीडेंट होते होते बचा, तो इसलिए इट्स वेरी रिस्की व्हाइल ड्राइविंग, इसलिए ड्राइविंग करते वक्त आपको यू नीड टू रियली बी वेरी केयरफुल, काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है ड्राइविंग करते समय, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी होती है दोस्तों, ठीक है, तो सावधानी बरतनी चाहिए सबको, मेरा ही मानना है। खैर जो भी हो, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले ब्लॉग में, ये ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो आप प्यार बनता है वो प्यार जरूर दीजिएगा इस भाई को, ताकि कभी इस तरह की गलती मैं ना करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।